हेलो, इंडियन मॉम्स रेसिपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पर बनाना सिखाऊंगी। आज मैंने बनाई है मैंगो आइसक्रीम और आप इसी तरह से इसको किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम के लिए लिया है मैंने एक गिलास दूध, एक आम, एक कटोरी कस्टर्ड पाउडर, एक कटोरी चीनी और ये लिए है मैंने फ्रेश क्रीम। आप इसकी जगह दूध की फ्रेश मलाई भी ले सकते हो। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे हम दूध, थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे और इसे डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। दूध को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। बाकी बचा हुआ दूध मैं कस्टर्ड पाउडर में डाल दूंगी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर और इसे बराबर चलाते रहेंगे। इसे हम नीचे नहीं रखने देंगे, नहीं तो इसमें लंग्स पड़ जाएंगे। इसे बराबर हमें चलाना है और गाढ़ा होने तक पकाना है। ये गाढ़ा होने लग गया है, देखो इसे हमें ऐसे ही गाढ़ा करना है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। चुका है, अब इसे हम एक बॉक्स में रख देंगे। और इसे हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। अब हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे बाउल में निकालेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें अपनी प्यूरी को डाल देंगे। हमारी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल ना पड़े इसके लिए हमें प्यूरी को थोड़ा पकाना है। इसको थोड़ी देर हम पका लेंगे। प्यूरी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी डालकर पकाएंगे। अब हमारी प्यूरी पक चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी क्रीम को हल्का सा फेंट लेंगे। इसके लिए एक बाउल में लेंगे हम आइस। आइस के ऊपर हम एक बाउल रखेंगे, इसमें हम डाल देंगे अपनी क्रीम। क्रीम को थोड़ी देर फ्रिज में रख के हमें निकालना है, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम विस्क कर लेंगे।
अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम पाउडर शुगर डालेंगे। इसमें 2 चम्मच हमने पाउडर शुगर डाला है। ये है हमारा कस्टर्ड जो हमने फ्रीजर में सेट करने के लिए रखा हुआ था, ये अच्छे से जम गया है। अब हम इसे मिक्सी में डालकर अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने कस्टर्ड को मिक्सी में चला लिया है। अब इसका टेक्सचर देखिए इस तरह का हो गया है, नई क्रीम भी फ्लफी हो गई है। अब हम इसमें अपनी कस्टर्ड डाल देंगे। और मिक्स करेंगे इसमें हम अपनी मैंगो की प्यूरी डाल देंगे। सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, अब हम इसे जमाएंगे। इसके लिए हम ले लेंगे एक बॉक्स, बॉक्स में हम डालेंगे थोड़ी सी। अब बॉक्स में हमने इसको आधा ही फिल किया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चेरी। अब इसमें हम सारा फिल कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सजा देंगे। अब ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ी चेरी। अब फॉइल पेपर से इसको कवर कर देंगे। अब इसे फॉइल पेपर से कवर करके हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।